पुरुष प्रधान भारत देश में पिता की मृत्यु के बाद पिता की चिता में आग लगाने का अधिकार सिर्फ पुरुष को मिलता है, लेकिन रीवा की शुक्ला परिवार की तीन बेटियों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं करते हुए उन्हें मुखाग्नि दी। रीवा के स्टेच्यू चौराहे के पास रहने वाले 80 वर्षीय रजनी शुक्ला को हार्ट की बीमारी थी, जिसका इलाज काफी समय से चल रहा था और शनिवार सुबह अचानक उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद मुक्तिधाम बंदरिया में उनकी बेटियों द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। रजनी शुक्ला के सिर्फ तीन बेटियां हैं, नीलू शुक्ला, बल्लू शुक्ला व सोनू शुक्ला, लेकिन आज तक उन्हें बेटा होने की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनकी तीनों बेटियां हमेशा अपने पिता की एक बेटे की तरह सेवा करती थी और पिता के अंत समय में भी वो उनके साथ थी। अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं उनकी तीनों बेटियों ने पूरी करते हुए पिता को मुखाग्नि दी। मुक्तिधाम में दुख का माहौल था, लेकिन बेटियों द्वारा पिता के प्रति इस समर्पण से वहां पर उपस्थित हर व्यक्ति हर्षित था। आज के पुरुष प्रधान समाज में ये एक मिसाल है, हमारे रीवा के लिए गौरव की बात है कि बेटों की कमी किसी पिता को या माता को नहीं महसूस होना चाहिए। जो दायित्व की पूर्ति पुत्र निर्वाह करते हैं, वैसा ही पुत्री भी करती हैं। उनकी सामने मिसाल है आपके, जो आप स्वयं देख रहे हैं। बेटियों को हमें कितनी वैल्यू देनी चाहिए, कितना महत्व देना चाहिए, वो आपके समक्ष है।